अब पूरा युवा क्या मैं बता दूं, पूरा देश त्रस्त है इस सरकार से। 100 रुपये पेट्रोल बिक रहा है, उसके बाद दाल इतनी महंगी है, मतलब हर चीज़ इतना महंगा है। तो हमें महंगाई पे कंट्रोल करिए, शिक्षा रोजगार दीजिए। रोजगार के ऊपर जिस तरीके से काम करना चाहिए था उसमें विफल हैं, बाकी सरकार में कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक रही बदलाव की बात, तो बदलाव 70 साल से कांग्रेस कर रही थी, राज कर रही थी, कोई बदलाव नहीं आया। इस बार भी भाजपा की सरकार आएगी। 1.5 साल का मौका मिला उनको, 1.5 साल में विकास उन्होंने किया जहाँ तक हो सकता है। कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये युवा ही देश का भविष्य है और इन्हीं से देश है। जितना इनका भविष्य उज्जवल होगा उतना ही देश का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन इस समय जब देश का महापर्व चल रहा है, उस समय युवाओं के मन में क्या चल रहा है? क्या वो संतुष्ट हैं इस सरकार से या फिर वो कुछ और चाहते हैं? मैं आजमगढ़ में हूँ, हमारे साथ यहाँ तमाम युवा हैं, युवाओं से बात करते हैं उनके मन में क्या चल रहा है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप युवा हैं, आपको क्या लग रहा है कि इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में युवा कैसे छला जा रहा है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं? देखिए, इस सरकार में बहुत समस्याएं हैं। जैसे कि अब आप युवा की बात कर रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं। बिल्कुल। छात्रों को किस चीज़ से मतलब है? बस रोजगार से। बिल्कुल। क्योंकि घर वाले, परिवार वाले इतना पैसा रुपया देकर पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं। सही बात। तो हमें बस कुछ नहीं, हमें रोजगार चाहिए। तो इस सरकार से आप बोले संतुष्ट, संतुष्ट तो नहीं है हम लोग, युवा संतुष्ट नहीं है। रोजगार है ही नहीं, रोजगार है ही नहीं, संतुष्ट कैसे रहेगा युवा? अगर एग्जाम भी हो रहा है तो पेपर लीक हो जाए। एग्जाम अभी नीट का एग्जाम हुआ है, देखिए अब 2 दिन पहले वो लीक हो गया। राजस्थान में जो यूपी बोर्ड के छात्र थे उनको सीबीएसई बोर्ड वालों का अंग्रेजी पेपर वितरण कर दिया गया। तमाम प्रकार की गलतियाँ सरकार की हैं। अब जैसे कि पुलिस का एग्जाम देख लीजिए, वो इतना 50-50 रुपये 100-100 रुपये में बिका पेपर, जबकि 5-6 साल से वैकेंसी नहीं आ रही थी। अब वैकेंसी आई भी तो ऐसी आई कि लीक हो गया पेपर पूरा। अब पूरा युवा क्या मैं बता दूं, पूरा देश त्रस्त है इस सरकार से। क्योंकि युवा की जोर, युवा की ज़रूरत देखिए, शिक्षा है, रोजगार है, जबकि शिक्षा पे अब GST लग गई। जो पेन आप 5 रुपये में पाते थे पहले 3 रुपये में पाते थे, 7 रुपये 10 रुपये की मिल रहे हैं। आपको लग रहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य और इस जो आप रोजगार कह रहे हैं, जो जरूरी मुद्दे हैं उस पे सरकार फेल है और बातें केवल सिर्फ बातें हैं। देखिए, धर्म जाति ये सबसे ऊपर उठ के आएंगे तब आप देश को आगे लेकर चल सकते हैं। जैसे कि देखिए, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक, हमें जैसे जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हमें, ठीक है, आस्था बहुत अच्छी चीज़ है, राम मंदिर बना हमें कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है, राम मंदिर बहुत अच्छी बात है, हमारे आस्था का केंद्र है, बहुत अच्छी बात है। सही बात है। हम मतलब, बट हमें जो चाहिए वो भी तो देखिए, अब राम मंदिर बना उससे हमारा मतलब हमारी आस्था को ठीक है, बट हमारे ज़रूरत की चीज़ें जैसे हमें महंगाई जितना मतलब 100 रुपये पेट्रोल बिक रहा है, उसके बाद दाल इतनी महंगी है, मतलब हर चीज़ इतना महंगा है। तो हमें महंगाई पे कंट्रोल करिए, शिक्षा रोजगार दीजिए और तमाम चीज़ें हैं। अब आप सिर्फ मतलब वोट मांगेंगे तो राम मंदिर के लिए वोट मांगेंगे। अब मतलब इतना गंदा मतलब राजनीति हो रही इस टाइम देश की, इतनी गंदी राजनीति। तो आपको लग रहा है कि ये राजनीति अगर बदलना चाहें तो कोई विकल्प है? विकल्प का मतलब देखिए, सरकारें बदलेंगी तभी रोजगार भी बढ़ेगा। एज ए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए ग्राम प्रधान है तो छोटा ग्राम प्रधान है, अगर आप उसी को लगातार जिताएंगे तो शायद आपके गांव का मतलब विकास नहीं हो पाएगा। आप कहना चाहते हैं बदलते रहना चाहिए। हाँ, बदलते रहना ताकि चाहिए, उसको भी लगे कि वो जैसे अब देखिए किस कोई तानाशाही ना आ जाए, कोई 10-10 बार विधायक बन जाए, 9-9 बार विधायक बन जाए, अब उसको तो पता है कि मुझे अगली बार फिर जीतना है, मैं काम करूँ चाहे न करूँ। अगर उसके अंदर डर रहेगा कि हाँ मैं अगर काम न करूँ तो हार जाऊंगा, तब तो इस बार आप आजमगढ़ के हैं? जी, आजमगढ़ के। लग रहा है आपको आजमगढ़ में बदलाव होगा या? आजमगढ़ में बदलाव होगा, यहाँ से मुझे लगता है धर्मेंद्र यादव जीतेंगे। धर्मेंद्र यादव जीतेंगे और मतलब युवाओं के लिए सरकार बहुत गलत की है युवाओं के साथ, मैं कहूँ पूरे देश के साथ। जो किसान हुए, जवान हुए, अब पुलवामा अटैक देख लीजिए, मतलब उसकी अभी तक जांच नहीं हो पाई, पुलवामा अटैक क्यों, कैसे हुआ, इतना RDS कैसे आया, और सरकार उस पर वोट भी मांग ली पुलवामा अटैक पे। मतलब इतनी गंदी राजनीति, हाँ ये बताइए, वहाँ पे जवान मरे हैं उस पर आप वोट मांग रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं उसके साथ, तो ये गंदी राजनीति हो रही है। जैसे कि मतलब इसको बदलना चाहिए, युवा बदलाव चाहते हैं। आइए, एक और युवा है, एक और युवा है हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं।
क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, यही युवा देश का भविष्य है। आजमगढ़ में चुनाव हो रहा है, आप आजमगढ़ के हैं, लेकिन मैं बात पूरे देश का कर रहा हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव है। युवाओं का, आपका, आप लोगों का क्या मतलब, ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि इस सरकार ने या तो उसको पूरा करने में विफल रही या और बेहतर हो सकता था, या आपको लग रहा है कि बदलाव ज़्यादा बेहतर चीज़ें लाएगा? देखिए, इस सरकार में सबसे कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ ख़राब चीज़ें। अच्छी चीज़ें ये हैं कि गुंडा राज कम हुआ है जी, लोगों को मतलब सुरक्षा मिला, सुविधाएं मिल रही हैं, सुरक्षाएं मिल रही हैं जी। लेकिन सबसे ज़्यादा ख़राब इस सरकार में है नौकरी, रोज़गार। रोज़गार नहीं दे पाई है, जो रोज़गार के ऊपर जिस तरीके से काम करना चाहिए था उसमें विफल हैं। बाकी सरकार में कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक रही बदलाव की बात, तो बदलाव 70 साल से कांग्रेस कर रही थी, राज कर रही थी, कोई बदलाव नहीं आया। इस बार भी भाजपा की सरकार आएगी, लेकिन रोज़गार का मुद्दा अगर और बेहतर हो जाए तो सही रहेगा। रोज़गार का मुद्दा इनको उठाना पड़ेगा और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। बाकी सरकार में कोई दिक्कत नहीं है और इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी बात रखी है। तो जैसे सबसे बड़ी बात बेरोजगारी की आ रही है जी, जी पेपर लीक जैसे मामले आ रहे हैं जी, जी आपको लग रहा है कि इन सब मामलों को लेकर कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है इनका जो ये सब जो मामले हैं इनका मतलब जिम्मेदार सरकार ही है सर। हाँ, तो इस वजह से सारी मतलब गलतियां सरकार की है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो आपको लग रहा है कि रोजगार के मुद्दे पे सरकार फिसड्डी है? जी जी यस, हाँ लगता है हमको पूरा मोदी सरकार। तो ये बताइए कि अगर रोजगार नहीं मिलेगा, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, तो फिर युवा कहाँ जाएगा, क्या करेगा? तो इस स्तर पे आपको अगर देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि बदलाव की ज़रूरत है? बिल्कुल है। जब युवा मेहनत करेगा और उसको सफलता उसे नहीं मिलेगी तो ज़रूर उसको मतलब दुख होगा, इस वजह से जरूरत है। आपको लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए देश में? जी, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, आजमगढ़ में क्या लग रहा है आपको, आजमगढ़ में बदलाव होगा? आजमगढ़ में ही नहीं, युवा हर जगह परेशान है, बदलाव होना तो हर जगह हो। हाँ, लेकिन विकल्प है युवाओं के पास? मतलब लग रहा है कि मोदी सरकार के, मोदी के पैरेलल कोई ऐसा चेहरा है जो बदलाव मतलब बदलाव का वो बन सकता है चेहरा? फिलहाल अभी हम कुछ कह नहीं सकते, यहाँ कुछ और भी युवा हैं, उनसे बात करते हैं। आइए इधर, एक बिटिया हैं, एक चुनाव पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं बोलना चाहेंगे। यहाँ पे एक अंकल जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये बताइए, आजमगढ़ का चुनाव किधर जा रहा है और किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा? विकास होना चाहिए मध्य प्रदेश का, और क्या। अच्छा, विकास होना चाहिए। विकास हुआ है कि नहीं? नहीं, कुछ परसेंट विकास तो हुआ है। अच्छा, मतलब डेढ़ साल के कार्यकाल हुआ ने काम किया, 1.5 साल का मौका मिला उनको, 1.5 साल में विकास उन्होंने किया जहाँ तक हो सकता है। अच्छा, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पे आपको लगता है कि आजमगढ़ में और काम करने की ज़रूरत है? जैसे इन्होंने कॉलेज दिया है, सड़कें बनाई हैं, आगे भी मौका मिलेगा तो करेंगे। आपको लग रहा है कि नहीं रहू रिपीट करेंगे? करना तो चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि इसलिए करना चाहिए क्योंकि केंद्र में मोदी को देखना है, इसलिए क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार चाहिए, इसलिए रिपीट करना चाहिए, इनका कहना है।